अमोल कोल्हे की फिल्म वाई आई किल्ड गांधी ने राजनीति को गर्म कर दिया है। इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। कांग्रेस इस फिल्म के खिलाफ काफी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फिल्म बंद करने को कहा है। ऐसे में फिल्म का विवाद और भी गर्माने की संभावना है। राकांपा नेताओं का दावा है कि अमोल कोल्हे के एनसीपी में शामिल होने से पहले फिल्म के लिए समझौता किया गया था। इस फिल्म के साथ महाविकास के मोर्चे में दरार एक बार फिर सामने आ गई है। कड़वे दिमाग वाले फिल्म निर्माता गांधी की हत्या के दिन को सही ठहराते हुए फिल्म को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने गांधी को क्यों मारा। महात्मा गांधी के विचारों से पूरी दुनिया प्रभावित है। हमारा देश भारत महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। गांधी ने अपने संघर्ष के माध्यम से दिखाया है कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के हथियारों का उपयोग करके दुनिया को जीता जा सकता है। इसीलिए वे पूरी दुनिया में पूजनीय है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पूरी दुनिया में एकता, जातीय सद्भाव, अहिंसा और शांति के दिन के रूप में मनाई जाती है। एक और जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन को अहिंसा और शांति के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अशांति, घृणा और हिंसा को दर्शाने वाली फिल्म वाई आई किल्ड गांधी दिखाई जाएगी। ये फांसीवादी रवैये को मजबूत करेगा। किसी भी जघन्य अमानवीय कृत्य को बढ़ावा देना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि फिल्म को राज्य में किसी भी सिनेमा और ओटीटी प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित किया जाए और इसकी अनुमति दी जाए। बाइट, ये नेता का कार्यक्रम नहीं है ना कि मेरे लड़की का शादी है। ये हमारे देश के अस्मिता का इशू है। अहिंसा का जो रास्ता हमें महात्मा गांधी ने तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो दिया है, ये विचारधारा को लेकर जो मानने वाले लोग है वो सब इसमें इकट्ठा हो निवेदन करेंगे। मेरा मतलब था कि पार्टी वो भी महाराष्ट्र की पार्टी है। सभी दलों को हमने कहा है, हम किसी को छोड़ने वाले थोड़ी है। सभी इसमें देखा गया कि जब भी ऐसे कार्यक्रम करते हैं तो एनसीपी साथ में आते हैं, लेकिन शिवसेना हमेशा से दूर रही है। क्या शिवसेना भी आए? सभी साथ में आएंगे। आपको देखो, हम तो ये आपके माध्यम से हम सबको न्योता दे रहे हैं। अभी आपका बुलाकर हम लोग जो बता रहे हैं ये सबको न्योता दे रहे हैं। अब ये जाहिर निमंत्रण है, तो इसमें जो आया जिसको महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़ना है वो आए, और जो नहीं आया उसका भला, आया उसका भला। इसमें एक बार जोड़ दूं, वैसे सेंटर की तरफ से उन्होंने जारी किया कि होम मिनिस्ट्री 11 बजे का सायरन सभी होम मिनिस्ट्री स्टेट को बोलेगी, मगर वो होता नहीं। उनसे ऑन द रिकॉर्ड वो कर देते, मगर मोदी सरकार के दौरान ये सायरन कभी बजे नहीं है। दूसरी बात यह है कि आज महाराष्ट्र की एक खास जिम्मेदारी है, क्योंकि महात्मा गांधी की भूमि सेवाग्राम और वर्धा है, ये बाबा साहेब की भूमि है, शिवाजी की भूमि है, सावित्री बाई की भूमि है, मगर एक गोडसे सावरकर की भी भूमि है। तो महाराष्ट्र से ये एक बहुत बड़ी पहल, और ये महाराष्ट्र से हो रही है। ये नाना पाटोले, विद्याधर चव्हाण, ये जो पॉलिटिकल फोर्सेज है उन्हीं के माध्यम से ये पूरे देश में बड़ा संदेश आ जा रहा है। मेधा पाटकर जी है, जीजी पारेख है, किसान आंदोलन है, उन्होंने मिलकर ही पूरी एक राष्ट्रभर की पहल की। दूसरी जो बात है कि ये मोनिका माय डार्लिंग रिप्लेसेस महात्मा गांधी सॉन्ग, तो आप समझिए क्या कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल को जो ये बदनाम कर रहे हैं और पूरा का पूरा इतिहास को एक मजाक बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से 26 तारीख को अगर ये पूरी महात्मा गांधी की धुन मोनिका माय डार्लिंग से रिप्लेस हो रही है, मतलब ये संविधान का मजाक हो रहा है। जो ये एक्चुअली में एक एक चीज को वो लोग तोड़ रहे हैं। तो दैट इज वाई मतलब आज सुभाष चंद्र बोस को लेकर जो ये कर रहे, सुभाष चंद्र बोस ऑन रिकॉर्ड है आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के खिलाफ कि कम्युनल फोर्सेस ये देश को बर्बाद करेंगे, यही सुभाष चंद्र बोस को वो लोग अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करें, वो होने वाला नहीं। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या हमारे भगत सिंह हो, ये लोग उनको अप्रोप्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि ये सिर्फ महात्मा गांधी का हुतात्मा का दिन नहीं है, मगर इसको हुतात्मा दिन बोला जाता है, सर्वोदय दिन बोला जाता है, और सभी हुतात्मा को याद किया जाता है जो आजादी के आंदोलन के दौरान शहीद हुए। अपन लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।